नमस्कार, आप देख रहे हैं तवन दिवार। भाजपा की 21 सदस्यीय चुनाव समिति की दो दिवसीय बैठक वीरवार शाम गुरुवार में शुरू हो गई। बैठक का मकसद सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा कर पैनल तैयार करना है। पहले दिन बैठक में गुरुवार फरीदाबाद, पलवल और रेवाड़ी जिले के पदाधिकारियों को अलग अलग बुलाकर समिति के पदाधिकारियों की मौजूदगी में चर्चा की गई। बाकी जिलों पर चर्चा शुक्रवार को की जाएगी। उसके बाद हर विधानसभा सीट का पैनल तैयार कर केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा जाएगा। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 25 अगस्त को प्रस्तावित है। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह समेत अन्य बड़े नेता हिस्सा लेंगे। बैठक में केंद्रीय मंत्री व हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली, सह प्रभारी बिप्लव कुमार देव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, चुनाव प्रबंधन समिति संयोजक कुलदीप बिश्नोई, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया, सह प्रभारी सुरेंद्र नागर, राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, सह प्रभारी संगठन मंत्री फणीन्द्र नाथ शर्मा शामिल रहे। पहले दिन बैठक में हर जिले से फीडबैक भी लिया गया। बैठक में शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाएगा, इसके लिए पार्टी किसी तरह का समझौता नहीं करेगी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दबंग दिवार। नमस्कार।